तो क्वेश्चन नंबर 368 में क्या दिया है देख लीजिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ 2 इंटू ए टू डी पावर 6 प्लस बी टू डी पावर 6 माइनस सी टू डी पावर 6 क्या होगा। तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ए का वैल्यू 1 पुट कर दिया, बी का वैल्यू 1 पुट किया, तो यहाँ से सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2। जो क्वेश्चन दिया है वो है 2 टाइम्स ए टू डी पावर 6 प्लस बी टू डी पावर 6 माइनस सी टू डी पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। ए टू डी पावर 6 तो आ गया आपका 1, बी टू डी पावर 6 भी 1 आ गया, सी टू डी पावर 6 मतलब सी स्क्वायर का क्यूब 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। ऊपर कितना आ रहा है देख लीजिए, 2 माइनस 6 माइनस 12 बाई 6, तो आंसर आ रहा है माइनस 2। अभी ऑप्शन में तो कहीं माइनस 2 दिख नहीं रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन ए माइनस 2 होना चाहिए। एक तो ए मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप ऐसे देखिए, हम ए बोल सकते हैं कि तीन नंबर का जो सम है ना, ए जीरो है, अगर तीन नंबर का सम जीरो है तो इसका क्यूब का जो सम होगा ए स्क्वायर का क्यूब मतलब ए टू डी पावर 6 बी स्क्वायर का क्यूब बी टू डी पावर 6 माइनस सी स्क्वायर का क्यूब सी टू डी पावर 6 ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर होता तो ऐसा हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहां से ए टू डी पावर 6 प्लस बी टू डी पावर 6 माइनस सी टू डी पावर 6 बाई 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका वैल्यू होगा माइनस 1। क्वेश्चन में क्या किया है, न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई किया है तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।